जय श्री केदार। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर से हो रही है। यदि आपके मन में भी अनेकों प्रश्न हैं कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं, केदारनाथ कैसे पहुँचें, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, वो यात्रा देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होती है। सर्वप्रथम आपको उत्तराखंड के यानी कि उत्तराखंड में प्रवेश करना होता है, और आप जैसे ही हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचते हैं तो यहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। तो जैसे ही आप हरिद्वार में आते हैं, यहाँ आप ट्रेन से आ सकते हैं या बाई बस के द्वारा, टैक्सी के द्वारा यहाँ आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ से यात्रा शुरू होती है, फिर आप पहुँचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद अनेक पड़ाव आते हैं जहाँ से आपको चारधाम यात्रा के लिए जाना होता है। वैसे तो उत्तराखंड में जो चारधाम हैं उनमें सर्वप्रथम जो यात्रा होती है वो बाबा केदारनाथ से पहले सर्वप्रथम होती है माँ यमुनोत्री की, यमुना जी से यानी कि यमुनोत्री धाम जाना होता है। और यमुनोत्री धाम के बाद आप पहुँचते हैं सीधे गंगोत्री धाम में। ये दो धाम करने के बाद उसके बाद पुनः आपको आना होता है बाबा केदारनाथ की धरती में, और यहाँ पर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। जैसे ही आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं, फिर आपको जाना होता है सीधे बद्रीनाथ धाम यानी कि भगवान विष्णु के सिर चरणों के पास, और यहाँ आप दर्शन करते हैं। तो जैसे आप बद्रीनाथ धाम में पहुँचते हैं तो यहाँ आप नारायण भगवान के दर्शन करते हैं। जो चार धामों में से सबसे ज़्यादा यात्रा जो आजकल हो रही है, वो यात्रा हो रही है बाबा केदारनाथ की। तो केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इस बार यानी कि 2024 में भी पहुंच रहे हैं। तो इन चारों धामों में से सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ धाम जाने के लिए आपको हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जो बड़े पड़ाव हैं मैं उनके आपको नाम बताता हूँ। देवप्रयाग में संगम है, यहाँ भी आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप माँ गंगा के पास यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ पर अनेकों मठ मंदिर हैं, यहाँ भी आप रह सकते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। और यहाँ के बाद सीधे आप पहुँचते हैं श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल में भी आपको हर प्रकार की सुविधाएं रहने के लिए हैं, और यहाँ पर भी रमण स्थल है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आप पहुँचते हैं श्रीनगर गढ़वाल के बाद आप पहुँचते हैं सीधे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी संगम है, आप संगम के दर्शन करने के बाद रुद्रप्रयाग में भी अनेकों मठ मंदिर हैं, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और रुद्रप्रयाग से फिर एक धाम के लिए जाती है यानी कि केदारनाथ धाम के लिए एक रोड, और दूसरी रोड जाती है बद्रीनाथ धाम के लिए। तो आप केदारनाथ धाम के लिए अगर आ रहे हैं तो आपको अगस्त मुनि पड़ेगा। अगस्त मुनि के आगे सीधे आप आ सकते हैं कुंड। कुंड से आप सीधे गुप्तकाशी के बाद आप फाटा, और फाटा से सीधे आप पहुँचते हैं गौरीकुंड। तो गौरीकुंड तक बस जाती है, और गौरीकुंड के बाद सीधे आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पैदल यात्रा के लिए आप घोड़े खच्चरों का भी सहारा ले सकते हैं, डंडी कंडी का सहारा ले सकते हैं, और आप पैदल भी जा सकते हैं। यदि आप जब पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, आप हवाई सेवा से भी श्री केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। तो ये आज तक तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, आप कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ किसी नए स्थान से, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।